9 अक्टूबर को कलेक्टर सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन तारीखों की घोषणा की गई है, जिसमें आयोग के दिशा निर्देशों के साथ ही जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी साझा की। कलेक्टर ने बताया, आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। जिले की 6 विधानसभाओं में 14.42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 14,42,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 7,26,625 पुरुष और 7,15,364 महिलाएं मतदाता शामिल है। बैठक में बताया, निर्वाचन विभाग की ओर से जिले में आचार संहिता की सख्ती से पालन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन आदि बिना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति के नहीं कर पाएंगे। सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र थानों में जमा कराना होंगे। लाउड स्पीकरों का रात 10 से सुबह 6 बजे तक उपयोग वर्जित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।